जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले प्रयोग आउट किट के बारे में, इसको कब कैसे और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, जनरली कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है, यह सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना रुकावट के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं इसका काम। दोस्तों, यह प्रयोग आउट किट है जिसका कम्पोजिशन है मैप पेरियस्टोन 200 mg मिसोप्रोस्टोल है और इसका काम कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग ध्यान देंगे। यह एक प्रकार का 19 नोर प्रोजेस्टेरिन नोरथिनड्रोन का व्युत्पन्न जिसमें 11B स्थान है। इस टेबलेट को महिला के गर्भवात गर्भपात नाश करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप लोग समझ लें डिलीवरी, किसी महिला को पेट में बच्चा है, अगर वो सोच रही होगी कि हम इस बच्चा को नहीं रखें, इस बच्चा को नुकसान करना है, अबॉर्शन करना है, तो वह इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकती है। अब सवाल यह है कि कितने दिन के बच्चे को हम गिरा सकते हैं पेट से। सवाल यही है, कितना महिला को सवाल होता है कितने दिन के बच्चे को पेट से गिरा सकते हैं, या फिर कितने दिन कितने महीना तक के बच्चे को गिरा सकते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, 49 दिन तक सत्यापित तथा 63 दिन तक के चिकित्सक के परामर्श से गर्भपात हेतु मैथुन क्रिया के बाद गर्भ निरोधक 1 माह में 1 बार की गर्भ निरोधक गोली अंतः गर्भाशिक मृत भ्रूण का प्रसव करने हेतु आदि में इसको इस्तेमाल करें। आप लोग ये एक बार क्लियर में सोच ले, यह एबॉर्शन की टेबलेट है प्रेग आउट किट, जिसको 3 महीने तक के बच्चे में 3 महीने तक के डिलीवरी में इसको इस्तेमाल करने से बच्चा नाश हो सकता है, ख़राब हो सकता है, और अगर 4 या 5 महीना हो जाए तो बहुत कठिनाई से होगा, इसलिए 3 महीने तक के अंदर में 3 महीने तक के अंदर के डिलीवरी में इस प्रेग आउट किट को इस्तेमाल करें तो बेहतरीन काम करेगा। 3 महीने तक के अंदर की डिलीवरी में इसको इस्तेमाल करें तो बच्चा गिराने में बेहतरीन काम करेगा, अन्यथा बाद में खराबी हो सकता है। अब इसके डोज के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसका डोज कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग ध्यान देंगे, इसके डोज में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोज गड़बड़ाएगा तो पेशेंट को दिक्कत हो सकता है भविष्य में। इसमें आप लोग देख रहे होंगे मैपेरियस्टोन टेबलेट 200 mg जो कि एक अलग हिस्से में है, उसको रात में सोते समय खाना चाहिए, और सुबह में मिसोप्रोस्टोल 200 mg 2 टेबलेट है, उसके नीचे 2 टेबलेट है, उसको फिर सुबह में खा लेना चाहिए, फिर और उसके नीचे 2 टेबलेट है, उसको शाम को खा लेना चाहिए। डोज ये है कि आप फर्स्ट ऊपर जो टेबलेट है उसको शाम में खा लीजिए 2 टेबलेट सुबह, फिर 2 टेबलेट शाम खा लीजिए। और दूसरा खाने का तरीका यह है कि आप 1 टेबलेट आज रात को खा लीजिए, फिर कल सुबह में मत खाइए, फिर कल शाम को 4 टेबलेट एक साथ खा लीजिए। यह था दूसरा डोज। आप लोग डोज में गड़बड़ी नहीं करेंगे, मैं एक बार और बता रहा हूँ, 1 टेबलेट आज रात को खा लीजिए, फिर अगर सुबह को नहीं खा रहे हैं तो फिर शाम में 4 टेबलेट एक साथ खा लीजिए। आप लोग इसका काम और इसका डोज जान गए होंगे। इसका काम यही होता है गर्भ को नाश करना, इसका काम होता है, और इसका डोज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके साइड इफेक्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसका साइड इफेक्ट कुछ लंबा है, नहीं लीजिए। इसका साइड इफेक्ट कुछ इस प्रकार होता है, उधर सूल, सिर दर्द, उल्टी, दस्त, चक्कर आना, गर्भाशिक मरोड़, जल्दी थकना, कमर दर्द, ज्वर, रक्त स्राव, योनि शोथ, ठंड लगना, निद्रा, मानसिक चिंता, परीना, स्वायु, व्यूवर, शोथ, मूर्छा, रक्तकालता, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, 2 ग्राम से कम हो जाना, श्रेणी में दर्द होना आदि इसका साइड इफेक्ट होता है। इस टेबलेट को इस्तेमाल करने से किसी किसी महिला को ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकता है, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो वो DNC सफैया करवा ले तो बेहतरीन होगा, क्योंकि टेबलेट सब काम नहीं करता है ब्लड रुकने वाला। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो, अगर ज़्यादा खून आवे पेशाब रास्ता से, तो सफैया करवा ले तो बेहतरीन होगा, नहीं तो बाद में खराबी हो सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रेग आउट किट के बारे में, इसका डोज, इसका साइड इफेक्ट और इसका काम जान गए होंगे। थैंक यू सो मच हमारे इस वीडियो को देखने।